ये शेखावाटी का इलाका है, नवलगढ़ का जो इलाका है, यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा तादाद में सैनिक यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं। लोग सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं देश की, और यहाँ पीछे से उनके खेत और घर छीने जा रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। दो हजार छः से हमारे ये 17-18 गांव और ढाणियाँ, इनके अंदर 3 सीमेंट कंपनियां अपने खनन के लिए और प्लांट के लिए हमारी ज़मीन को एक्वायर कर रही हैं, और तब से ये पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और किसान ये कह रहे हैं कि हम अपनी उपजाऊ ज़मीन नहीं देंगे, और आज स्थिति यहां पर पहुंच चुकी है कि हमारे किसान लगभग 550 दिनों से लगातार तहसील के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ की लगभग 70,000 बीघा ज़मीन जो कि उपजाऊ है, बहुफसलीय है, इसको 3 सीमेंट कंपनियाँ लेना चाह रही है। उनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन चाहिए वो है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी जो बिड़ला की है, उसको 45,000 बीघा ज़मीन चाहिए, और उसके 45,000 बीघा ज़मीन में लगभग 7 गाँव और ढाणियाँ आती है, जो खिरोड़, बसावा, मोहनवाड़ी, तुरकाणी, ये बड़े बड़े गांव हैं, राजस्व गांव हैं, और इनके साथ में 7-8 ढाणियाँ भी हैं। इसके अलावा दूसरी जो सीमेंट कंपनी है वो है श्री सीमेंट कंपनी, जो गोठड़ा गांव और में लग रही है, यहाँ पर इसका प्लांट लग रहा है, और इसका खनन का जो अवार्ड पारित हुआ है वो है देवगांव, चोडाणी, परसरामपुरा और पुजारी की ढाणी। तीसरी सीमेंट कंपनी है वो है इंडिया सीमेंट लिमिटेड कंपनी, वो यहाँ से अभी पिछले दिनों वापस जा चुकी है, और वो यहाँ पर हमारे सुरजनपुरा, भोजनगर, टोंक सिलरी आदि गांवों और ढाणियों में प्रस्तावित थी। सीमेंट कंपनी जो श्री सीमेंट कंपनी है, इसका जो MOU है ये प्लांट के लिए अलग हुआ है और खनन के लिए अलग हुआ है। प्लांट के लिए 142 हेक्टर जमीन के लिए ये 3 अप्रैल 2008 को MOU हुआ है, और दूसरा खनन के लिए 573 हेक्टर जमीन के लिए 8 जुलाई 2008 को हुआ है। इसकी जो धारा 4 है, इसकी अधिसूचना 6 फरवरी 2008 को हो चुकी है, और धारा 6 की अधिसूचना है वो 10 जुलाई 2008 को हो चुकी है। खनन के लिए जो धारा 4 है वो 17 मार्च 2008 को, और धारा 6 15 अप्रैल 2009 को हुआ है, और इसका जो प्लांट का जो अवार्ड है ये 2 जुलाई 2010 को हो चुका है, और खनन का जो अवार्ड है वो 31 मई 2011 को हो चुका है। इसके अलावा जो प्लांट है इसके लिए 27 करोड़ रुपया कंपनी ने रिको में जमा करा दिया था। इस तरह से कुल मिलाकर के 70,000 बीघा ज़मीन जो कि उपजाऊ है, इसके अंदर काफ़ी बस्तियां बसी हुई है, खेत खेत में लोग किसान अपने पक्के मकान बना करके रह रहे हैं, दो दो तीन तीन फसलें पैदा हो रही है, और किसान शुरू से ही इस ज़मीन के लिए आंदोलनरत हैं, बोल रहे हैं भाई हम ज़मीन दे देंगे तो कहाँ जाएंगे। किसानों की बात है, किसानों के साथ में ये छल किया गया है, ये कपट किया गया है कि जितनी भी अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें जब भी जन सुनवाइयाँ हुई है उसमें सभी किसानों ने एक स्वर से ये बात कही है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। जान देंगे, जमीन
मरना मजबूर है। और 70 वर्ष की हो चुकी हूँ मैं, जमीन नहीं दूंगी। के करेंगे बेचारा तड़प तड़प मखड़े मर जाएगा, जमीन देवाना कोन्या बोली मारकन। जमीन एक तरह लाख तक देगा, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देगा। जमीन नहीं बेचा, कितना भी पिता दे जमीन बेचता ही नहीं, माता दही बिकती है। और इक वहाँ कती भी एक बार खून खराब हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बाकी मरा दिखे जमीन देंगा नहीं मैं बिल्कुल ही। मैंने शपथ खा रखी है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हमारी जमीन कौन देगा? सरकार ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि ये यहाँ से जमीन दे देंगे। तो मैं नहीं देंगे जमीन, नहीं दे देंगे जान, दे देंगे जमीन, नहीं देंगे जमीन। कौन देगा? जान दे देगा, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। अब हम तो ये मरना मंजूर है हमारे को, लेकिन हम जमीन खाली नहीं करेंगे। के जमीन नहीं दे, जान चली जाए, बाकी बात आई है। जबरदस्ती लो तो मन मारी जान छुटा कर फिर ले लो। मैं तो सर मर जाऊंगा, बाकी जमीन कौन देगा? मैं तो ये बेटा जमीन मैं देनी को नहीं, कोई सूरत परी जमीन मारी माता है, हम नहीं देंगे, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। मार के भले ले लो, जिंदा तो देखो ना जमीन कैसा लेकर जाऊंगा। हमारी माँ बाप की खेती है, उसको बेचेंगे नहीं। मार तो काया बहुत दुखी हो रही है, जमीन नहीं देगा। जमीन देनी को नहीं बात है, ये बात और क्या। मेरे पर नहीं मर जाओ, पर जमीन कौन चलता? मरना मंजूर है, एक इंच भी नहीं देंगे। फटे कौन जाए जमीन मर छोड़। हम सब करने के लिए तैयार है लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। और जान दे दे अपन जमीन कौन देगा? अरे बांगर बिरला तेरो सत्यानाश जाओ। 150 करोड़ जो लोग जीवित बैठे हैं वो किस पर्पज से बैठे? इसी किसान की वजह से बैठे हैं। और आज ये जमीन खाली करवा दोगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम लोग कोई उद्योगों के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं हमारे इलाके में कोई उद्योग लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जो हमारे पहले से खेती रूपी उद्योग जो लगे हुए हैं जिसमें हम एक दाना अनाज का डालते हैं और 1000 दाने बनकर निकलता है, तो ऐसा कौन सा और उद्योग लगाना चाहते हैं जिससे आगे देश बढ़ेगा? हमारे इलाके में आप देखिए तो चारों ओर कितने पालतू पशु, गायें हैं, भैंसे हैं, कितना अच्छा अच्छा दूध देने वाली हैं, जो इन खेती के भरोसे ही तो वो पाल रहे हैं। लगभग 200 बोरी अनाज हर फसल के अंदर हम मंडी के अंदर पहुंचाते हैं। तो यहाँ की जब ये बस्ती 45,000 लोग जब एक साथ अपनी जमीन दे करके इनका जब रोजगार छिन जाएगा, इनका पूरा काम छिन जाएगा, तो ये सीमेंट कंपनियां कह रही है कि हम लोगों को रोजगार देंगे। जो 4 फैक्ट्रियां जो लग रही हैं यहाँ, यदि यहाँ ये लग जाएंगी तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा यहाँ की 30% नवलगढ़ क्षेत्र की 30% जनता डिस्टर्ब होगी, वो यहाँ से उठकर दूसरी जगह जाएगी। यहाँ कल्चर है हमारा, संस्कृति है, पीढ़ियों से हम यहाँ रहते हैं, कुछ सीखा है यहाँ से, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं इनसे सीखा है हमने। और यहाँ चले जाएंगे तो सिंधु किनारे चाचा, ताऊ, बुआ, ये सब बहन, दादा, ये सब कुछ रहेगा नहीं, अकेला फैमिली रहेगी, एक मियाँ रहेगा, एक बीबी रहेगी, एक दो बच्चे रहेंगे, तो अंदर कुछ भी नहीं, संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, उसकी बदमाशी ज़्यादा बढ़ेंगी। मेरी जमीन मारी राख लो, चाहूँ मेरी जमीन दूसरी जगह चलेगा, जिकी जन्म भूम है और है, ये जन्म में जन्मिया इनमें रहूँगा तो आज क्या कह के बेचूँगा, हम वहाँ है एक तरह की। मैं अगर यहाँ से बिछड़ जाऊँगा तो हमारा संबंध भी टूट जाएगा, हमारा खाने पीने की, रहने की, मतलब सब समस्या हो जाएगी। कहाँ बाल बच्चे, कट्ठे बाल बच्चे रखूँगा, कट्ठे मारा पशु ले जाऊँगा, कट्ठे मैं जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, बाकी जमीन कौन देगा? मैं तो अजी फैक्ट्री में तो जमीन देने का विचार भी नहीं है, हम तो संघर्ष भी कर रहे हैं और जा भी नहीं सका, जमीन आई विचार हमारा तो कोई हालत में, अगर जमीन जाएगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा यहाँ के लोगों का? कैसा हाँ जमीन कौन दिया और कैसा हाँ जमीन दिया? हमारे तो बकाया करे जी आके आ रोटी गई, जमीन गई जा रोटी गई, मैं खमा काटे हमारे डेबो मन तो आज चाहिए कोई कली कोई बैठ उठे मैं बेचा ही ऐसा नहीं बेचा आगो मतलब बेचवा जी कोई कोई भी कि एक आदमी के पीछे 10 लाख लोगों को उजाड़ करके उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की है सरकार ने। सबसे पहले तो अगर इनको उजाड़ दें तो पहले इनको जमीन देंगे, बसेंगे कहाँ जा करके? इम आज एक बात है कम से कम 5 साल से ऊपर होगा, एक बात 6 साल होगा सरकार, एक बात है कोई नहीं सुनाई करी ये भी के माँ, एक बात है ठीक है लूटो और खाओ। ये जो भूमि अधिग्रहण का जो विरोध जैसे गवर्नमेंट का कानून बना हुआ 1894 के तहत, फिर 2013 के तहत और आज की सरकार के तहत, हम सरकार से चाहते हैं कि या सरकार
इस्तीफा दे करके चला जाना चाहिए ना अधिकारियों को, या जो सरकार कानून बनाती है उस कानून को लागू करना चाहिए। लेकिन मैं किसान का छात्र बेटा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, हमारे जीवन को कैसे बना पाएंगे। जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार का ब्याई हूँ, और घर भैंस टबरन पड़ा सार मारो पेट भरा सार बंगड़ पिटला जमीन एक तरह लाख तक देंगा जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगा। पर इन्हें दलिता नहीं पूछता नहीं है बात ने इसके किसान जोलगढ़ में क्यों बाहर गाले क्या के लिए गाले। यहाँ विकास नहीं, यहाँ विनाश हो रहा है हमारे गांव के अंदर। यहाँ पर जो अन्न पैदा करते हैं ये अन्न यहाँ पैदा नहीं होगा, नहीं होगा तो ये देश के अंदर बहुत भयंकर कमी आएगी, इसलिए यहाँ पर इस फैक्ट्री को ना लगाया जाए। अगर सरकार जमीन छीनने के लिए तुली हुई है तो सरकार को यह चेता देना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जमीन नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मोटे हाथ तो पेट बेच के दारू पीऊ मैं क्या करा, मैं लुगाई पुताई खड़े जावा जमीन में तो मैं बल्लिया पेट मारो, मोटे हाथ बुलाए खड़े डोलो मोटे हाथ तरक डोलबल आ जाए मैं खड़े जावा। मार तो सा एक ही पीड़ा है फैक्ट्री की, पशु पाला हाँ टाबर पाला हाँ, मार तो कोई नौकरी नहीं है, पैसों में आई नौकरी सो क्या माई है खाली हमारी कुमार जमीन का माए तो और मैं जार खटे जहाँ भाई टापरा लिया मोटे आर तो पिसा था जहाँ का बस बढ़ते जाए देखो करो मैं जमीन मारी को जला। सरकार कहती है विकास के लिए उद्योग लगा रहे हैं, विकास के लिए ये उद्योग है वो कतई नहीं माने जा सकते क्योंकि ये मनुष्य के लिए पर्यावरण के लिए बिल्कुल बेहद नुकसानदायक साबित होने वाला है। अब चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन मैं घटे जाऊँगा बस उनके लिए तो जगह चाहिए, और डॉर्क जोन घोषित कर रखे अभी वो बाद में भी असुविधा बता रहा है कि कंपनी लगेगी गेट बिड़ला को सत्यानाश हो मैं तो जाऊँगा ही बिल्कुल। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि रोजगार देने की बात करती है, रोजगार जो हमारा बचा है रोजी रोटी वो न छीने। और मैं बेरी की पूरी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि रेल लाइन को हम फैक्ट्रियों के लिए कभी नहीं जाने देंगे, और बसावा में जो फैक्ट्री लगती है उसके विरोध रहेंगे। अरे मरने खड़े का डोला गोडा मारा गया टूट उठ मानो पानी पियो जाए को नहीं मारा डांगली अरे गली घंटा हो रहा हो मैं मारी माता ने दरी को नहीं काटना। ना पशु के लिए चारा मिलेगा ना इंसान के लिए अनाज मिलेगा, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि ये किसानों की समस्याओं का ध्यान दे और ये फैक्ट्री को यहाँ पे लगाने का प्रोग्राम कैंसिल करे। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो फैक्ट्री यहाँ नहीं लगे क्योंकि यहाँ दो फसली तीन फसली भी कई जगह होती है लेकिन दो फसली तो सब जगह होती है। देखिए ये पेड़ पौधे हैं, ये हरियाली है, यहाँ हम सब्जी भी पैदा करते हैं, दूध भी शहरों में सप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सब बंद हो जाएगी और करीबन 45,000 आदमी यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। वो फिर करेंगे क्या, इन्होंने जमीन ले लिया गांव को छोड़ दिया तो वो आदमी बाहर कहाँ निकलेंगे, जमीन तो उनकी होगी सर। फिर जब इनको कह दिया कि लीज पर लेनी है तो आपको 5 साल 10 साल उसके बाद हमारी जमीन वापस करके दे दो, उसके लिए भी नहीं, एक बार ले लिया वो जमीन निकी होगी, एक आदमी को 10 लाख लोगों की जमीन एक साथ, ये कौन सी नीति है इनकी। हमारा इलाका पिछले 4 साल से डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, किसान अगर अब चाहे भी तो अपना कोई ट्यूबवेल नया नहीं बना सकता, लेकिन ये कंपनियां हैं इनको सरकार ने ये इजाज़त दे दी कि 40 ट्यूबवेल आप बना सकते हो क्योंकि सीमेंट कंपनी को चलाने के लिए पानी की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उनको इजाज़त दे दी और हम लोगों को एक ट्यूबवेल भी हम नहीं बना सकते। इसलिए भी हमारा ऐतराज़ है कि अगर सीमेंट कंपनियां आई और इस तरह से पानी का दोहन हुआ तो लोगों के पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा, फसल की तो बात अलग है। जमीन उनको मिल नहीं रही, कोई करीबन 3,000 बीघा के आसपास उन्होंने खरीद भी ली, अब वो चाहते हैं कि दूसरे पैसे बढ़ाने के बावजूद भी वो ज़मीन लोग उनको दे नहीं रहे क्योंकि जो लोग छोड़ के गए हैं वो बड़े दुखी हैं, जो 3,000 बीघा बेची है वो लोग इतने परेशान हैं, उसमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी हैं लोग जो ज़मीन बेच ही नहीं सकते, फैक्ट्री उनको ले नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें काम कर्मचारी जो काम करते हैं उनके नाम से ले रहे हैं।
अब हम जो 5 साल से यहाँ धरना दे रहे हैं वो उसकी वजह से उन्होंने ज़मीन बेचना लोगों ने बंद कर दिया। कुछ लोग जो यहाँ से चले गए उनकी दुर्दशा देख करके उन्होंने बंद कर दिया। ज़मीन किसी और के नाम से कराई जाती है और फैक्ट्री अपने खाते से DD बना करके काश्तकार को दी जाती है, जो पूरा पैसा बात करती है उसका पूरा पैसा नहीं दे पाती है, और उसमें भी क्या है फिर मतलब झगड़े प्रसाद या पंचायती होती रहती है। और अब जो लोग समझदार हो गए हैं, ज़मीन के प्रति जागरूक हो गए हैं, वो ज़मीन नहीं देना चाहते, और मैं भी मेरी ज़मीन नहीं दूंगा। मैंने शपथ खा रखी है कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। सरकार तो ने कोई बांगड़ बिड़ता आ रही थे, बांगड़ आ रही है। पहले तो यहाँ कॉलेज बनावा और गौशाला बनावा और बुढ़ा चपड़ा कर मार दूँ तो ज़मीन अस्थारी सरकार ले जाता ना क्यों भी गंदे गिर निकाल देगी जमीन अठे अब लेन कला गई और बुला बुला के लेके ले ली मारी तो लेके अब मार तो ओए पूंजीपति भी मैं ही में पाड़ता टापर भी मारा ही में पाड़ा मार कर मार क्या कि पता जमीन नहीं की तो जमीन में नाज वजना तो खा जा नहीं तो क्या खाओ। और ओ रे भाई जमीन की अब ढांडो पाल लेता सांसर पाल लेता मारा बच्चिया पड़ा अब पानी हो अब बेगर कर दिया मान एकदम बेगर कर दिया। जो ज़मीन है ये सबको मालूम है कि पैदावार तो बढ़ जाएगी यूरिया खाद देने से, लेकिन ज़मीन तो बढ़ने वाली नहीं किसी भी पोजीशन में कोई भी मशीनरी से। पब्लिक को गुमराह करती है, दलाल लोग आते हैं कि किसी को शराब पिलाया, किसी को कोई लालच दिया, किसी को नौकरी का झांसा दिया, लेकिन होता कुछ नहीं। आखिरी में वही होता है, इस सरकार की नीति ये है कि जो गरीब है वो किसी भी तरह से रोटी नहीं खा सके। ये अठाऊ तो जमीन बेचती ले ली मारी, बोले अठाऊ खाली करो जा मैं बेचती पा बैठे गया जना बैठे मारे बेचरी को मारे बाल लड़की खत्म होगी परेशानी सुन और पास बैठे जला ब्याधी भी कोनी पास में ओटा अठा आगा परेशानी वहाँ क्या उसने दो छः महीने फिरा हमारे पास पहले कुछ कागज ले लिया उसने ली 58 लाख को शुरू हुई जमीन जाएगी सीमेंट फैक्ट्री बनेगी तुम्हारे को यहाँ से भगाएंगे और दे दो पहले आराम पाओगा या क्या होगा। जमीन मत बेचो आज का बेचने से गप्पा वापिस आ रहे हैं दुखी हुआ हर बात में हर बात की समस्या है। जमीन बेचने बस दाम छोड़ बस आ रहे एकदम बेघर होगा जमीन बेचा कर यह मतलब सबको यही कह रहे हो भिखारी हो जाओगा सब बेचोगा जमीन जिन्नी कौन जो मधु हो मैं नटको हो पाछा एक जो वो बजू जदार बस हाँ सारा बस थोड़ा बस दिजाज बचे बुझा चार या के कटर ना बस बेकार पाई बामो चार पाई एक हाँ जरा पाई बजा पे अब तारी वो क्या जा जमी को कौन रखूंगा हाँ आ नहीं दो ही कोनी हम नटको हो कुंजा कुंजा पर जोड़ा मर्जी बेटा बाब बर्बादी को नहीं कटे जो कोई बोला गौशाला बनावांगा और मैं दे दी और अब मारा टाबर कटे जाए और कटे में बस हाँ और मानो दिए भी के है बुढ़ा की ले ली अब बुढ़ा की ले अब मैं जावा को नहीं जमीन बेच को ना ठो ना जे दो कंपनियां बना वो कोई सुखी नहीं है बिन कोई जोरा मर्दी बुझा देना बहुत आत्मा से आई किसी चीज के बुरा फंक क्यों बना तो भाई टाइम पास हो रहे सब काश्तकार जमीन बेच का सब दुखी है। 14 बीघा जमीन बेची दलालों के बहकावे में आने से अब बची हुई है जमीन उसको मैं नहीं बेचूंगा और अपनी जितनी ताकत रहेगी वह ताकत लगा के भी कंपनी वालों को खेत में भी नहीं छूने दूंगा। जमीन बेच देंगे तो हमारे बचेगा क्या, परों तले जमीन है वही बचेगी वही है वही बिक जाएगी हम पैर कहाँ रखेंगे। क्यों पहले से हमने जो बुढ़ा के दलाल हमसे किसानों से जमीन ले ली फिर जो कांग्रेस हमने शीस राम ओलो हो तो वह भी है कि आपने उसी टाइम है जीते होना बोलो नहर तो लाई नहीं गई और यहाँ हमारी भूमि अधिन उसी टाइम में जो ये एग्रीमेंट करवा दिया और यहाँ जमीन देने के बाद में वहाँ कहाँ जाएंगे 2 लाख में जमीन ले रहे हैं तो वहाँ अकेले 10 लाख जमीन का पैसे मांग रहे हैं तो जमीन मिलती नहीं है और हम वैसे ही परेशानी हो जाते हैं और जमीन कहाँ है। सो क्यों हो बिजली को साधन हो मारा बाप दादा की प्रॉपर्टी ही जकीन बुढ़ा की कान कतर लिया मारा
जो का बोले था ना कर देंगा भैया आगे लाइट लगा देंगा आगे कनेक्शन दुआ देंगा कनेक्शन तो खिठाऊ दिवाऊंगा भाई मारा धक्का और मारन ने खड़ा हो रहा है ए धक्का मैं खावांगा को नहीं टब रोजू डेडा रह जाऊंगा मैं बूढ़ा बूढ़ी मर जाऊंगा इस जमीन के लिए। ये कंपनियां लगने के कारण पानी की भी बहुत कमी हो जाएगी और लोगों के सामने रोजगार की भी समस्या होगी। तो यहाँ के कुछ लोग रुपए पैसों के लालच देके किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। अब वो देखिए कुमार मंगलम को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ दलालों के चक्कर में जमीन बेच रहे हैं, लोग परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, बाल बच्चे परेशान हैं, कहाँ जाएंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ उनको पढ़ाओ और दूसरे तो कह रहे हैं कि यहाँ से विस्थापित होकर चले जाओ। मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं जो मैं मेरे बच्चे को कलेक्टर बना दूंगा और वो जो जिले का मालिक बन जाएगा। ये तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं तो पशु भेड़ बकरी पाल के और मेरा जीवन चला रहा हूँ और उस जीवन को मैं खो दूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरे को कितने भी पैसे दें मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मैं पैसे लेके मैं तो खराब कर दूंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मैं मेरी बच्चे के लिए सोच रहा हूँ, मेरा परदादा हमारे लिए सोचा था और जिस दिन मेरा परदादा उस जमीन को खा जाता तो आज हम क्या बेचते। 20 दिसंबर 2014 को एक रिको को लेटर दिया है कि साहब हमें जो ज़मीन है वो 3920 बीघा ही चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब उनकी इसका मतलब उनको ज़मीन पर ज़्यादा फोकस था, 44,000 की जगह 3920 बीघा पर आ गए। इसका मतलब उनको ज़मीन से ही ज़्यादा प्रेम है। अब वो चाहते हैं कि एक बार जब फैक्ट्री लग जाए तो यहाँ पर्यावरण जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, पानी की समस्या हो जाएगी, तो दूसरे लोग छोड़ छोड़ के अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आज से 10 साल पहले लगभग एक नज़दीक सीमेंट छोटी फैक्ट्री लगी थी झाजड़ गांव में, वो 3-4 साल तक ही चली और उसके दुष्परिणाम आज तक हमको भोगने पड़ रहे हैं। उसके आसपास की जितनी भी ज़मीन है वो पूरी बंजर बन चुकी है क्योंकि उड़ उड़ के सीमेंट और धूल उसके ऊपर इस तरह से जम गई कि आज भी उसमें फसल पैदा नहीं होती है। तो अगर ये सीमेंट कंपनियाँ जो बड़ी सीमेंट कंपनियाँ आ रही हैं अगर ये लग गई तो इनसे तरह तरह की बीमारियाँ जानलेवा बीमारियाँ फैलेगी और हमारे जो बचे हुए खेत हैं जो आसपास का इलाका है उसको भी ये बर्बाद कर देगी, इसलिए भी हमारा इनसे एतराज है। अगर ये सीमेंट कंपनियाँ यहाँ लग जाएगी तो यहाँ के ऊपर प्रदूषण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उससे लोगों को हृदय की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, सांस की बीमारी है, ये सब बीमारियाँ लग जाएगी और ये बीमारी लग जाएगी आसपास में जीना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास यहाँ पीने का पानी ऐसे भी नहीं। पहले भी गवर्नमेंट ने इसकी पाबंदी लगा रखी है, ट्यूबवेल नहीं खोदने दे रहे हैं और एक तरफ से वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री में तो लगाएंगे तो उसमें तो पता नहीं कितने लाखों लीटर पानी बर्बाद होगा। इसलिए यहाँ के ऊपर ही लगने से हमारी तो पूरी जनता जो यहाँ है वो बेथक दखल हो जाएगी। हम फैक्ट्री के विरुद्ध नहीं है, फैक्ट्री करवाओ आप, लेकिन बहुत बंजर जमीन पड़ी है, उपजाऊ जमीन को क्यों बख कर रहे हो भाई और बेघर हम लोगों को क्यों कर रहे हो, हम कहाँ जाएंगे बताओ आप। और सन 2008 से सीमेंट कंपनी का यहाँ चक्करबाजी चल रहा है जिसमें मैंने मेरी ज़मीन में एक मुर्गी फार्म भी बना रखा है। अब ना तो हम काम करने के अंदर दिमाग लगता है, आए दिन धरने में जाना पड़ता है, सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो हमारी जमीन भर से पानी का जोड़ा है और हमारी जमीन खोसे ना बिगड़ा भूखा मर जाओ।
हम किसान सब खेती पर ही निर्भर है। हमारी भूमि 3 बस्ती है, पशुधन सारा इस खेती पर ही निर्भर है, इसलिए हम हमारी जमीन किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते। हमारा इलाका सोरक का कलेजा कहा जाता है हमारे मन से, हम इसको सोरक का कलेजा मानते हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। यहाँ वीरू की धरती है, यहाँ के मातृशक्ति ऐसा लाल पैदा करती है, देश की रक्षा करती है, और उन्हीं की धरती को आज सरकार सीमेंट प्लांट के लिए जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है। मैंने अपनी जिंदगी में 32 साल सेना में रह करके हम देश के लिए पूरी इस तरह से सेवा की है कि हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके आए हैं और आज हम अपने घरों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसा अन्याय है। इसमें मूंग भी घनाई हुए, बाजरा भी घना हुआ है, फसल कमाए और गेहूँ चना सोचू है, मैं तो यूं ही पेट भरता, यूं ही दुनिया ने देता, काश्तकार का आई है। यह हमारी जमीन है उपजाऊ, इमा हरेक फसलें होती हैं, ये फसल का पानी हम सारा जो करते हैं। कट जावा में जमीन देर पानी की दिक्कत हो रही है, कट चले जावा पानी टाबर की दिक्कत हो रही है, कठे कौन जावा में जमीन मारी छोड़। जमीन देंगे तो जिससे पहले ज्ञान मारी भी लियो, सरकार ने जमीन लेना चाहिए तो ज्ञान भी ले लियो। यदि जमीन बिक जाएगी तो हमारे बाल बच्चे उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे हमारे पशुधन की रक्षा करेंगे, इसलिए हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे चाहे मर जाए। मेरे पास में 10 बीघा जमीन है, उस जमीन से ही मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मेरे पास में गाय भैंस बकरी जो भी पशु है उनका भी उसी खेती से तारा होता है, उनका निवारण करता हूँ। जो भी सरकार ने या फिर सीमेंट कंपनियों ने जो जमीन का मुआवजा रखा है वो अभी तक लिया नहीं है और ना आगे लेने का विचार है, सिर्फ लड़ाई लड़ने के मूड में, शुरू से लड़ रहे और अंत तक लड़ते रहेंगे। अच्छा जमीन नहीं देनी चाहूँ, ज्ञान देनी चाहूँ, एक उपाय या तो मरेंगे या मारेंगे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, बस मैं जमीन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जान चल जाए। मारी निजी भूमि छोड़नू नहीं चाह, मरबो कबूल है, जबरदस्ती रात छुटवा हुआ है, बाकी रोज आवा ही बात न खाना, सेठा का दबाव का मान आए और सरकार सारा झूठा नाटी कर रखा है और मैं घटे मैं खेती के ऊपर निर्भर रहा मेरा 24 घंटा के लिए। पैसे देने के लिए तो 2 मिनट में पैसे देते हैं लेकिन वो 2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन ये उम्र भर जिंदगी भर का बूढ़े का सबका सहारा है, हमारे पशु वगैरह हैं वो सबको इसी के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए हम ये जमीन नहीं देना चाहते और किसी भी हालत में हम देंगे। तो परिवार कट्ठे जागो मन आ बताओ, कट्ठे जावांगा कट्ठे आवांगा, मैं उसको हथा जोड़ी करके मैं काम कर बता रही तो है को मैं बोल पंचन और मन है को देख काट गो नहीं जमीन में है को ती बन जाऊंगा, थाने बता दिए मैं नहीं जाऊंगा। गांव वालों का जीना दूभर कर रखा है, मुश्किल कर रखा है उनको, जो समझदार आदमी है उनको, जो दारू पीने वाले हैं वो तो बोल रहे हैं कि जमीन जाएगी, अरे ये नहीं सोचते कि जमीन जाएगी कहाँ, दोगे तब जाएगी ना, और मैं ये बोलता हूँ कि नहीं दूंगा, मैं तो चाहिए मरना मंजूर है बिल्कुल भी, किसी भी हालत के अंदर कुछ भी चाहिए खून बह जाए। जब हम लगातार मुख्यमंत्री से 5वीं दफा मिले तो हमको आश्वस्त किया था गहलोत जी ने कि मैं आपकी इस पूरी बात की जांच करवाऊंगा, दोबारा जांच करवाता हूँ और इसके बाद मैं आगे कार्रवाई करूंगा, तो उन्होंने जाँच के लिए जब भेजा तो वो चिट्ठी रिको से होती हुई और झुंझुनू क्षेत्रीय प्रबंधक के पास आई और उनसे रिपोर्ट मांगी गई, तो उन्होंने सरासर एक झूठी रिपोर्ट भेजी कि यह इलाका बारानी किस्म का है, दूसरा उन्होंने भेजा कि इस इलाके में ऊपरी सतह पर पत्थर है, इस तरह की गलत रिपोर्टें देकर के सरकार को गुमराह करने वाले ये भ्रष्ट अधिकारी है, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको शाबाशी नहीं मिलनी चाहिए। सारी की सारी जमीन फर्टाइल है, उपजाऊ है, 3-3 फसलें उसमें हो रही है और इस पर भी ये सारे के सारे अधिकारी ना कह सकते हैं, लेकिन ना कहने के बाद में बिजली के बिल कैसे आ गए भाई, हमारे सिंचित नहीं है तो किसने बिजली के बिल दे दिए हमें, नियमों को टाल करके कौन तो किस अधिकारी ने अपनी जिंदगी रिस्क पर ली या खतरे में डाली कि हमारे पानी नहीं है फिर भी हमें कनेक्शन दे दिया, और कनेक्शन फिर 40-30 साल से चल रहे हैं, उनका रेणु सरकार ने कैसे ले लिया अगर ये बंजर ही थी तो, इसलिए बहुत गहरा घोटाला है इसमें। फिर सरकार हमारी जमीन को बंजर दिखा रखी है, मतलब हम ट्यूबवेल है, कनेक्शन है, बिल भर रहे हैं ट्यूबवेल का, और फिर हमारी जमीन 3 फसल होती है उसको फिर बंजर दिखा दिया, मतलब शर्म की बात है ये किस सरकार की, क्या सरकार है ये। महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा
शक्ति जिंदाबाद, सैनिक शक्ति जिंदाबाद, किसानों के दुश्मनों का नाश हो, नाश हो, दे देंगे जमीन नहीं जान, दे देंगे जमीन नहीं, किसानों के दुश्मनों का नाश हो, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। अगर अगर आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है तो आप सक्षम तो होने सक्षम कौन हमारे लिए सक्षम, हम लोग देश की कसम खाते हैं, सरकार की नहीं खाते हैं, सरकारें तो लूटने वाली बैठ जाती है, लेकिन हमारा भारत देश है, इसके लिए हमारे इनमें से आधे से ज्यादा फौजी खड़े हैं जिन्होंने अपने अपने बेटों को भी खोया, अपने बेटों और बहनों ने अपने लालू को खोया है, साहब किस लिए खोया है? अगर वो कहते हैं कि हमारा भी नहीं है मरना, हमको भी नहीं है, तो कैसे ये देश बचेगा? हम भावनाओं के साथ में देश की कदर करते हैं साहब, ये नियम बता करके, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम बता करके, और हम किसी जवान किसान की जमीन नहीं खरीद सकते, कृषि प्रधान देश है। दूसरे लोगों के साथ में वो कौन सा अधिकार है कि आप धक्का करते हो, इसलिए कि आपको सरकार ने टाइटल दे दिया कि यू आर बीइंग तहसीलदार। किसानों ने ना तो अपनी जमीन देने की सहमति दी है और ना जमीन के पैसे लिए हैं, फिर भी किसानों की जमीन को रीको के नाम से कर दिया गया है, ये कौन सा न्याय है? ये सरासर अन्याय है कि अगर किसान जमीन नहीं बेचना चाहता तो फिर उसकी जमीन को रीको के नाम क्यों चढ़ा दिया भाई? वोट लेने के लिए 10 लाख यहाँ से आएंगे और वोट लेने के बाद जमीन एक आदमी के नाम, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नवलगढ़ का जो आंदोलन है, इसने जब आगे बढ़ करके और दूसरे आंदोलनों से मिलकर के और एक वृद्ध रूप में हमने एक जनसंघर्ष समन्वय समिति का गठन किया है और हर राज्य के लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम अपने आंदोलन को, हम अपने प्रोटेक्शन को बिल्कुल उस तरह से रख रहे हैं जिस तरह से रखना चाहिए, और अब गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देती है तो यहाँ पर खून खराबा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम हमारी पूर्वजों की धरोहर को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, ऐसे ही नहीं जाने देंगे, बहुत विश्वास करके उन्होंने हमें ये धरती माँ सौंपी है, हम जान दे देंगे लेकिन अपनी धरती माँ को किसी के हाथों में नहीं सौंपेंगे। जय जवान, जय किसान। ले मसाले चल पड़े लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और